यहाँ मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जहाँ एक बच्चा मार्टिन है और एक मिस्टर है जो वैम्पायर को हंट किया करता है। ये दोनों ही न्यूडन नाम की जगह पर जा रहे थे, जिस जगह पर अभी तक वैम्पायर्स नहीं पहुंच पाए थे। मार्टिन हमें बता रहा था कि कैसे उसका परिवार इन लोगों का शिकार हो गया था। एक रात मार्टिन और उसकी फैमिली वैम्पायर से बचने के लिए शहर से बाहर जा रहे थे, लेकिन तभी कुछ आहट सुनकर उनका कुत्ता भौंकते हुए बाहर चला जाता है और उसके पीछे पीछे मार्टिन भी जाता है। थोड़ी देर बाद मार्टिन की मदर उसे जोरों से पुकार रही थी और कह रही थी कि मार्टिन तुम यहाँ से भाग जाओ। मार्टिन दौड़कर अंदर जा रहा था, तभी वहाँ मिस्टर आके उसे रोक लेता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें जान बचानी हो तो मेरे साथ आओ। वो मार्टिन को एक गन देता है और दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ पर बहुत अंधेरा था और मार्टिन देखता है कि उसके पेरेंट्स को वैम्पायर ने बुरी तरीके से घायल कर दिया था। फिर वो लोग वैम्पायर को खोजने लगते हैं। वो सीलिंग पर देखते हैं कि वैम्पायर मार्टिन की छोटी सी बहन को खा रहा है। वैम्पायर इनको देखते ही इन पर अटैक कर देता है। फिर मिस्टर और मार्टिन मिलकर उस वैम्पायर को मार देते हैं। फिर दोनों साथ में वहाँ से चले जाते हैं। अब मिस्टर मार्टिन को वैम्पायर से लड़ने के स्किल्स सिखाता है और दोनों ही न्यूडन जाने के रास्ते में उनको जो भी वैम्पायर्स मिल रहे थे वो उनको मारकर आगे बढ़ रहे थे। उनको रास्ते में एक सिस्टर जख्मी हालत में भागते हुए दिखती है, जिनके साथ दो आदमी जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर फिर गाड़ी रोक कर उन दोनों को वहीं पर मार डालता है और सिस्टर को बचा लेता है। अब ये तीनों रात होने पर एक जगह रुकते हैं, फिर सुबह होने पर आगे निकल जाते हैं। रास्ते में उनका सामना एक बहुत खतरनाक कल्ट ग्रुप से होता है। इस ग्रुप का नाम था ब्रदरहुड और उसके सरदार का नाम जेबेडियन लोवन था। वो बहुत ही संकी किस्म का इंसान था। वो यही मानता था कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है और हमें इसके बीच में नहीं आना चाहिए। यहाँ उनको पता चलता है मिस्टर ने जो उन दो आदमियों को मारा था उनमें से एक लोवन का ही बेटा था। लोवन इन लोगों को बंदी बनाकर भूखे वैम्पायर्स के सामने छोड़ देता है। लोवन मार्टिन और सिस्टर को अपना गुलाम बनाकर साथ ले जाता है। अगले दिन मार्टिन वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और वो अपनी कार के पास भी पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ एक वैम्पायर उसका पीछा करते हुए पहुँच जाता है। यहाँ मिस्टर डिक्की खोलकर मार्टिन को अंदर ले लेता है। इसका मतलब ये है कि मार्टिन उन वैम्पायर से बचकर डिक्की में छुप गया था। फिर दोनों कार लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम बेले है। वो अभी प्रेग्नेंट थी। वो कहती है कि उसे भी न्यूडन जाना है ताकि वो अपनी डिलीवरी वहाँ कर सके। यहाँ ब्रदरहुड्स के मेंबर सब जगह नाकाबंदी कर देते हैं ताकि वो मार्टिन और मिस्टर को पकड़ सके। ये लोग जब रास्ते में जा रहे थे तो उनका सामने एक वैम्पायर से होता है, जिसको मारने के बाद एक टेलीफोन से उन्हें कुछ आवाजें आ रही थी। वो लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं और वहाँ जाने के बाद उनको एक आदमी मिलता है जो कि अब बुरी तरीके से जख्मी था। वो आदमी अपना नाम विली बताता है और ये भी बताता है कि ब्रदरहुड्स मुझे बंदी बनाकर वैम्पायर्स के सामने छोड़ दिए थे। फिर वो लोग उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में विली बताता है कि मैं US आर्मी के लिए काम करता था। मेरा मिशन इस महामारी को रोकना था, इसलिए मैं मिडिल ईस्ट से यहाँ आया था, लेकिन महामारी इतनी तेजी से फैली कि सारे US आर्मी के सोल्जर्स मर गए और इसका जिम्मेदार ब्रदरहुड ग्रुप ही है, क्योंकि वो लोग वैम्पायर्स को पब्लिक प्लेस में छोड़ दिया करते थे, जिस वजह से ये महामारी काफी तेजी से फैल गई थी। फिर ये सभी लोग मिलकर ब्रदरहुड ग्रुप से लड़ने के लिए प्लानिंग करते हैं। इनके प्लान के मुताबिक बेले ब्रदरहुड मेंबर्स को डिस्ट्रैक्ट करती है। इसका फायदा उठाकर वो तीनों मिलकर उनको मार देते हैं। फिर वो उनके कपड़े पहनकर चेक पोस्ट की तरफ जाने लगते हैं, जहां वो सब मिलकर ब्रदरहुड ग्रुप पर हमला कर देते हैं और लोवेन को बंदी बनाने में भी कामयाब हो जाते हैं। वो लोग लोवेन को एक पेड़ के साथ बांधकर भूखे वैम्पायर्स के लिए छोड़ देते हैं और फिर वहां से आगे निकल जाते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद वो स्ट्राइविंगटन नाम की एक सिटी में पहुंचते हैं, जो अभी भी इन्फेक्टेड नहीं हो पाई थी और उसकी हिफाजत US आर्मी कर रही थी। वो लोग यहाँ आकर काफी खुश थे क्योंकि यहाँ के लोग काफी नॉर्मल लाइफ जीते थे। ये देखकर उनमें भी अब उम्मीद जाग गई थी। रात होने पर वो लोग सिटी के लोगों के साथ डांस करके एंजॉय करते हैं, लेकिन अचानक वो देखते हैं कि वहाँ सिस्टर भी है। वो बताती है कि मैं भी ब्रदरहुड ग्रुप से बचकर किसी तरह यहाँ पहुँच गई थी। तभी वहाँ हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और सभी लोग डरकर भागने लगते हैं। वहाँ वैम्पायर्स लैंड हो रहे थे और सिटी के लोगों पर अटैक कर रहे थे। मिस्टर सभी लोगों को लेकर एक घर के अंदर छुप जाता है। विली बोलता है कि ये काम ब्रदरहुड ग्रुप का ही है। अगली सुबह जब वो लोग बाहर निकलते हैं, वो देखते हैं कि पूरा शहर अब लाशों का ढेर बन चुका था। वहाँ के सोल्जर्स ने सिचुएशन को कंट्रोल में ला तो दिया था, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। फिर मिस्टर उन सभी को लेकर वहाँ से निकल जाता है।
लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए फिर वो लोग पैदल ही आगे निकल जाते हैं। रात होने पर वो लोग एक जंकयार्ड में आराम करते हैं, जहां बजका प्रजाति के वैम्पायर्स उन पर हमला कर देते हैं। यहां पर जो बजका प्रजाति के वैम्पायर्स होते हैं वो सबसे पुराने वैम्पायर्स होते हैं। वो बहुत ज्यादा ही खूंखार और खतरनाक थे। वो सभी लोग पास के एक भुट्टे के खेत में चले जाते हैं, लेकिन सिस्टर यहां पीछे रह जाती है, इसलिए वो वैम्पायर्स के हत्थे चढ़ जाती है। सिस्टर को खोने के बाद ये लोग काफी दिनों तक जंगल में पैदल ही चलते हैं। यहां जंगल में उन्हें वैम्पायर्स भी नहीं दिख रहे थे। वहां उन्हें एक खाली पड़ी हुई बस भी दिखती है। फिर वो लोग वहां आराम करने का सोचते हैं। अगली सुबह जब वो लोग उठते हैं तो उन्हें वहां विली नहीं मिलता। फिर वो लोग उसे खोजने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी दूर बाद उन्हें विली की ब्लैंकेट मिलती है। बैले के ऊपर कुछ खून की बूंदें गिरती हैं। जब वो ऊपर देखती है, विली की लाश वहां लटक रही होती है। वो आधी खाई हुई लाश फिर नीचे गिर जाती है। मिस्टर उनको बताता है कि जिस वैम्पायर ने भी विली को मारा है वो कोई साधारण वैम्पायर नहीं है। उसने विली को उनसे दूर ले जाकर उसको मारा है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में बहुत से वैम्पायर्स को मारा है, लेकिन इससे होशियार वैम्पायर मैंने आज तक नहीं देखा है। इसलिए सबको वो चौकन्ना रहने के लिए कहता है। बैले के पेट में अब दर्द होने लगता है, इसलिए वो लोग उसे आराम करने के लिए बैठा देते हैं। रात होने पर उन्हें किसी की आहट आती है। मार्टिन और मिस्टर उस आवाज की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां उनको कोई नहीं मिलता। लेकिन जब वो लोग वापस कैंप में आते हैं, वहां उनको बैले नहीं मिलती। फिर वो लोग बैले को खोजने लगते हैं। उनको थोड़ी दूरी पर एक सुनसान घर दिखता है, जहाँ पर बेले की आवाज आ रही थी। दोनों फिर उस घर के अंदर जाते हैं, जहाँ बेले को उस वैम्पायर ने कांटेदार तारों से और रस्सियों से बांध रखा था और उसकी पूरी बॉडी में काटने के निशान थे। तभी एक वैम्पायर पीछे से आकर मार्टिन पर हमला कर देता है। ये वैम्पायर और कोई नहीं बल्कि लॉवेन ही था, जिसको इन लोगों ने वैम्पायर्स को खाने के लिए पेड़ में बांधकर छोड़ दिया था। लॉवेन बताता है कि मैंने गॉड से प्रे किया और कहा कि मेरी जान बचा लो, इसलिए जब मेरे पास वैम्पायर्स आए तो मैंने खुशी खुशी अपना खून उनको दे दिया, जिसके बदले गॉड ने मुझे दूसरी जिंदगी दी और मुझे सोचने समझने की शक्ति भी दी। ये कहकर वो मिस्टर और मार्टिन को बुरी तरीके से मारता है। उसके बाद मिस्टर एक लकड़ी के टुकड़े को लॉवेन के सीने में घुसा देता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो बैले को भी मार देते हैं, क्योंकि वो भी अब वैम्पायर बनने वाली थी। वो दोनों वहां से फिर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक ट्रक मिलता है, जिसको लेकर वो आगे निकल जाते हैं और एक खाली पड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, ताकि वहां कुछ खाने का सामान मिल सके। यहां उनकी मुलाकात एक पैगी नाम की लड़की से होती है। पैगी यहां अकेले ही क्रॉसबो के सहारे जिंदा थी। पैगी ने यहां कई दिनों के बाद जिंदा इंसानों को देखा था, इसलिए वो काफी खुश थी और वो मार्टिन को देखते ही उसे पसंद करने लगती है। पैगी उन दोनों को खाना खिलाती है और यहां मार्टिन को भी पैगी के लिए कुछ फीलिंग्स आने लगती है। फिर रात में एक वैम्पायर आकर उन पर हमला करने वाला था, लेकिन मार्टिन उसे मार देता है, जिसे देखकर पैगी काफी इम्प्रेस हो जाती है। अब दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। ये सारी ही चीजें मिस्टर ऑब्जर्व कर रहा था, इसीलिए अगली सुबह मिस्टर उन दोनों को वहां छोड़कर चला जाता है और वो अपना लॉकेट मार्टिन के लिए छोड़ जाता है। पैगी और मार्टिन उसी ट्रक से वहां से निकल जाते हैं और आखिरकार वो लोग न्यूडन पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने के लिए वो काफी दिनों से निकले थे। इसी के बाद ये मूवी एंड हो जाती है। आपको ये मूवी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और स्क्रीन पर दिख रही अगली मूवी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।